Hi girls, welcome back to my channel Beauty Obsessed. So today I've created this Sonam Kapoor inspired makeup look. So before starting my makeup tutorial, I would like to add a disclaimer that I have just done inspired makeup look. Okay, I'm not trying to copy her and I'm not trying to look like her. So this is just an inspired makeup look. So guys, please don't comment that you don't look like her and all that stuff. So it is just inspired makeup look. I just like her look, so I've recreated this look with my own way. So if you are interested to know how I created this look, so keep on watching and please don't forget to like, share and subscribe to my channel and give my video a big thumbs up. Thank you. At first I'm going to moisturize my lips. I'm using this Nivea lip balm. Then I'm going to use color bar primer all over my face to make sure that my foundation stay long. Then I'm going to start with my eye makeup look. And sorry guys for my voice, actually I'm not well, that's why I'm sounding like this. So at first I'm going to conceal my eyelid with the help of my concealer and I'm going to set with the help of my compact. Then I'm taking this brown shade and placing it on the outer V of my eyes and into the crease line to define my crease line. You can see how I'm placing it. मैं ये flat brush लेकर अपने black eyeshadow लूँगी. उसके बाद मैं बस अपने outer V पे place करूँगी. आप देख सकते हो मैं कैसे प्लेस कर रही हूँ. सोनम ने बहुत ही ब्राउन्जी स्मोकी आई लुक क्रिएट किया था, तो बस मैं ही वैसे ही ट्राई कर रही हूँ. मैं बस प्लेस कर रही हूँ, उसके बाद मैं हल्का सा अपने आईलिड पे लगाऊंगी टू गिव दैट स्मोकी इफेक्ट. उसके बाद मैं ब्लेंडिंग ब्रश से दोनों कलर को ब्लेंड करूंगी, अपने क्रीज एरिया और ब्लैक कलर को अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे. सो उसके बाद अपने ब्लैक आई शेडो को और इंटेंसिफाई करूंगी. देन मैं ये गोल्डन शेड लूंगी सेम पैलेट से और अपने 1/3 ऑफ द आईलिड लगाऊंगी. देन उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी. अपने ब्लैक कलर को मोर इंटेंसिफाई करूँगी. उसके बाद मैं अपने हाइलाइटर लूँगी और फिर से अपने 1/3 ऑफ द आईलिड लगाऊँगी बिकॉज मैं उस कलर से सेटिस्फाई नहीं थी. सो इसलिए मैंने फिर से ये कॉपरी ब्रॉन्जी कलर लगाया है. उसके बाद फिर से मैं स्मोक करूँगी अपने आईज को विद द हेल्प ऑफ ब्लैक आई शेडो, कलर को और इंटेंसिफाई करूँगी. देन सारे कलर को एक साथ ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे. देन मैं अपने फेस मेकअप पे जाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नायका की स्किन जीनियस फाउंडेशन ले रही हूँ. डॉटेड मोड पे अपने पूरे फेस पे लगाऊँगी. मैंने अपना बेस मेकअप सेपरेट वीडियो में कर लिया है गाइस. आपने अगर देखा नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी. स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है उसमें कैसे क्या करना है. सो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ अपने सारे फाउंडेशन को. देन अपने इनर्स अपने अंडर आई को हाईलाइट करूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, क्यूपिड्स बो, चिन,
सारे यूजुअल प्लेस पर हाईलाइट करूँगी. देन विद द हेल्प ऑफ सेम ब्यूटी ब्लेंडर मैं ब्लेंड कर रही हूँ. सॉरी गाइज, बहुत ही प्रेशर लग रहा है मुझे बात करने में. एक्चुअली मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, सो प्लीज़ बेयर विथ माई वॉइस. उसके बाद मैं अपने कंसीलर को सेट करूँगी. मैं मेबेलिन की सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट ले रही हूँ. देन मैं अपने आईब्रो करूँगी यूजिंग दैट सेम आई शेडो पैलेट. मैं ये डार्क और लाइट ब्राउन शेड लेकर अपने आईब्रोज को फिल करूँगी. सोनम के आईब्रो बहुत ही ज़्यादा थिक है, तो मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ अपने आईब्रो को थिक करने का. यूजुअली जैसे मैं करती हूँ वैसे नहीं, थोड़ा और ज़्यादा थिक. आप देख सकते हो मैंने कितना ज़्यादा अपना आईब्रो थिक किया है. उसके बाद मैं स्पूली की हेल्प से अपने ब्रश. देन मैं मेबेलिन कोलोसल की काजल ले रही हूँ. अपने आईज़ को टाइट लाइन करूँगी, अपर आई लैश को टाइट लाइन करूँगी, फिर लोअर लैश लाइन पे काजल लगाऊँगी, ब्रॉड काजल लगाऊँगी. देन मैं फ्लैट ब्रश लेकर उसे स्मर्ज करूँगी. ब्लैक आई शेडो लेकर मैं काजल को लाइट लाइट स्मर्ज करूँगी टू गिव दैट स्मोकी एंड इंटेंसिफाइड लुक. देन मैं अपने बाकी के फेस कंप्लीट करूँगी. मैं ये शिवाना कलर्स के पैलेट से ये ब्राउन शेड लेकर अपने फेस को ब्राउन्स अप करूँगी. यूजुअल प्लेस पे जहाँ जहाँ किया जाता है आप देख सकते हो. देन मैं सेम पैलेट से ब्लश लगाऊंगी अपने चीक बोन पर, एप्पल ऑफ माय चीक पर, सॉरी. उसके बाद माय फेवरेट पार्ट, मैं मेकअप रेवोल्यूशन से अपने फेस को हाईलाइट करूंगी, अपने चीक बोन को अच्छे से हाईलाइट करूँगी. आई जस्ट लव दिस पैलेट गाइज. अगर आपको इस पैलेट का रिव्यू चाहिए सो डू कमेंट डाउन बिलो. मुझे तो ये पैलेट बहुत ही पसंद आया है. आई जस्ट लव दिस पैलेट. आई मीन हाईलाइटर पैलेट. आप देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ. उसके बाद मैं ब्राउ बोन को अपनी हाईलाइट करूँगी, देन इनर कॉर्नर ऑफ माय आईज को. देन मैं अपने मेकअप को फिनिश करने के लिए मैं ये लिपस्टिक लगाऊँगी. मैंने आईलैश लगा लिया है ऑफ कैमरा, इसके भी सेपरेट वीडियो किया है. अगर आप सभी को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे. उसके बाद मैं अपने फेस को सेट करूँगी. मैं लॉरियर का सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ. उसके बाद मैं फिर से हाइलाइटर लगाऊंगी. आप देख सकते हो मैं कितनी क्रेजी हूँ हाइलाइटर लेकर. फिर से लगाऊंगी हाइलाइटर. टू फिनिश माय लुक आई एम एडिंग सम ज्वेलरी लाइक सोनम. सो मैंने ये ज्वेलरी ऐड किया है. सो गर्ल्स, दिस इज़ माय फिनिश लुक. आई होप आप सभी को मेरा ये फर्स्ट इंस्पायर लुक पसंद आया होगा. अगर आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मैं बहुत ही जल्द 100 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाली हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अब एक थम्स अप.